यस, तो आप ध्यान रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है एंड फैट है, दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड, एंड प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड विटामिन इज अ प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी में टीथ, गम्स, आईज को हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन्स भी बहुत तरह के तरीके होते हैं। विटामिन्स हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इन द बॉडी। ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के सब प्रॉपर फंक्शन चले उनको करने के लिए। तो जो विटामिन्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, जो कि फैट में मिल जाते हैं, अगर आप उनको फैट में घोलेंगे तो वो आराम से घुल जाएंगे, सॉल्यूबल होते हैं। और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, जो कि पानी में घुल जाते हैं। तो ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के आर फैट सॉल्यूबल, फैट में मिल जाने वाले, एंड विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्यूबल विटामिन। अगर आपसे पूछा जाए, आपके पीछे क्वेश्चंस भी हैं कि फैट सॉल्यूबल विटामिन के नाम लिखिए या राइट द नेम्स ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन, तो आप लिख सकते हैं कि वाटर बी एंड सी आर वाटर सॉल्यूबल, एंड विटामिन ए डी ई के आर फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। अब सोर्स देख लीजिए, विटामिन्स के सोर्स कहाँ हैं। विटामिन ए आपको मिलता है कैरेट, पपाया, फिश ऑयल एंड मैंगो, जो कि आपकी स्किन को और आपकी आईज को हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन बी का सोर्स है आपका वीट है, सीरियल्स हैं, एग है, मीट है, मिल्क है। तो ये है जो इनका फंक्शन होता है कि ये नर्व्स और मसल्स को और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो है फंक्शन करते हैं। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट में मिल जाते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हैं, लेमन है, ये हमारे टीथ और गम्स को प्रॉपर हेल्थी रखते हैं। विटामिन डी पनीर से मिलता है, एडियोक से, सनलाइट से, लिवर से। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो दैट इज विटामिन डी, जो कि हमारी बोन और टीथ को स्ट्रांग रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन ई जो है पेयर से, एग, नट्स, इन सब में विटामिन ई होता है। विटामिन की स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर, जो कि ब्लड क्लॉट में बहुत ज़रूरी है। विटामिन के, अगर आप जो है स्पिनच खाते हैं, पालक खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, गोभी खाते हैं, तो ये जो विटामिन के जो सोर्सफुल जो कंपोनेंट्स, अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके ब्लड क्लॉट की क्षमता बढ़ रही है, आपका ब्लड प्रॉपर प्योरीफाई रहेगा, आपको ब्लड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट हमारा जो एक न्यूट्रिएंट है वो है मिनरल। मिनरल है, जैसे कि मिनरल में आप कौन कौन से आते हैं, देखिए मिनरल में आते हैं विटामिन्स, एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट आर वेरी इसेंशियल। ये हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड फूड आइटम्स कंटेन मिनरल्स, जैसे कि आयरन है, इट इज़ ऑल्सो मिनरल, कैल्शियम इज अ मिनरल, एंड फॉस्फोरस इज अ मिनरल, आयोडीन इज अ मिनरल, एंड इनके सोर्सेज हैं देख लीजिए। हमें आयरन मिलता है स्पिनच से, कैल्शियम मिलता है एग से, फॉस्फोरस, और इनके फंक्शन भी आप देख लीजिए साथ के साथ, कि आयरन जो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज़ वेरी एसेंशियल। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आयरन से होता है। कैल्शियम बोन और टीथ को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, बोन्स को, और कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी बहुत ज़रूरी है, और आयोडीन जो है बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में, हमारे को जो है हमारी कई हार्मोनल फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से चलते रहें, उसके लिए ये सारे मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें आपके हो गई न्यूट्रिएंट के टाइप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब भी। ओके, बाय।